हेलो एवरीवन, ये मेरा पहला ब्लॉग है और आई होप कि मैं इसमें बहुत कुछ यहाँ पे दे पाऊँ। और मैं अभी खेतों के बीच में खड़ा हूँ जहाँ पे मेरा खेत है, गेहूँ का सीज़न है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपने बारे में बता दूँ कि मैं विक्रम कुमार हूँ, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और मैं इस ब्लॉग में गाँव की चीज़ें दिखाना शुरू करूँगा, गाँव का चीज़ें जो एक्सप्लोर करूँगा। आई थिंक जैसे मैं मेरे पीछे आप देख सकते हो यार, गेहूँ के खेत है बहुत सारे। ऐसे विंटर सीजन में काफ़ी चीज़ें होते हैं, जैसे कि चना होता है, दाल होते हैं, बहुत सारे दाल होते हैं, अलग अलग वेराइटी का होता है। तो काफ़ी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा और साथ ही साथ इस चैनल पर बने रहें, आप लोगों का प्यार मिलते रहे, सपोर्ट मिलते रहे, तो काफ़ी चीज़ों के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ आज के मौसम की बात करूँ, काफ़ी सुहाना है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ी धूप हो रही है, थोड़ी कुहासा ऐसा है अभी बना हुआ, तो आप चांद पर देख सकते हो। जब सीज़न होता है गेहूं का तब लोग आते हैं, अभी बस सिंचाई करने के लिए कुछ लोग आते हैं, तो काफ़ी कम इंसान मिलेंगे। चारों तरफ मेरे देख सकते हो आज काफ़ी सुहाना मौसम है और काफ़ी कम लोग यहां पे हैं, जैसे देख रहे हो। और वो दो मेरे पीछे हैं, दो मेरे साथ आए हैं घूमने, काफ़ी दिनों बाद मैं आया हूं इधर घूमने। तो आप सबको सारा कुछ दिखाते चलूँगा, क्या क्या होते हैं खेतों में और क्या क्या इधर मिलेंगे, वो सारे कुछ से हम बताएँगे आपको। आप मेरे पीछे देख सकते हो यार, काफ़ी हरा है गेहूँ है और काफ़ी हरा, काफ़ी बड़ा हो चुका है। सिंचाई लगता है पानी में दो बार हो चुका है इसके कारण, और काफ़ी हरा है। ठीक है, बात करें अभी सिंचाई, आप देख सकते हो यार अभी पानी चल रहा है, सब मोटर से चल रहे हैं और काफ़ी गांव में भी विकसित हो चुका है, जैसे कि बिजली का ये सारा कुछ सुविधा हो चुका है, तो काफ़ी अच्छा विकसित हो रहा है। साथ ही साथ आप देख रहे हो कितना अच्छा मौसम भी है। आज का मौसम की बात करें तो काफ़ी अच्छा सुहाना, चारों तरफ आप देखो तो आप फूल देख रहे हो, ये है खेसारी का फूल, जो दाल हम तो, जो हम दाल बोलते हैं, खेसारी मशरूम मसूर, खेसारी और मसूर का ये फूल है। साथ ही साथ ये आप सरसों का भी देख ही जाओगे, क्योंकि खेसारी और मसूरी का ये दाल होते हैं। और काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, अभी हमने काफ़ी खेतें घूम चुके हैं, काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं। इसके होते हैं और मेडिसिन में यूज होते हैं, दवा में यूज होते हैं इसी का, अगर आप लोग साइंस जानते हो तो काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ बात करूँ सरसों का, आप जानते हो उसको तेल निकलते हैं। ठीक है, घूमते घूमते हम अभी बहुत दूर आ चुके हैं, बैर का पेड़ है, तो अभी हम बैर खाएंगे, देखते हैं कैसा टेस्ट है और क्या मीठा है कि खट्टा, वो सारा कुछ। और जो मेरे साथ हो गए हैं दोनों ऊपर चहक चुके हैं और अभी पेड़ को हिलाएंगे, काफ़ी बैर गिरेंगे, उसके बाद टेस्ट करते हैं कैसा रहेगा। अच्छा रहेगा तो ज़्यादा ही बैठ के खा बैर, और मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कैसा लगा। मीठा है बट खट्टा ऐसा लग रहा है, बहुत छोटे छोटे होते हैं। दूसरा टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। मीठा लग रहा है। और आप भी गांव में तो बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाओगे। अच्छा लगता है यार, बैर मिला मुझे, बहुत अच्छा टेस्ट है, ट्राई करेंगे आप लोग भी। आप लोग के भी शहर में होता है कमेंट करके जरूर होता, बहुत अच्छा टेस्ट लगा। साथ ही साथ आपको बताऊँ यार कि गांव का एक अलग माहौल होता है यार, गांव में आप आओगे तो बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे। साथ ही साथ आप जिस जगह पर हो वहाँ पर क्या क्या क्रॉप्स होता है कमेंट करके जरूर बताना। काफ़ी खेतें घूम चुके हैं एंड काफ़ी चीज़ें मैंने आपको देखा है, जैसे आप यहाँ पे, मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा यार, चना, चना का जो खेत, चना दिखाऊंगा। जैसे आप देख सकते हो यार, ये सब चने का है और इसके बाद ये बड़े बड़े हो जाएंगे, तो ये चना बड़े हो जाएंगे तो फिर आपको झंगरी लग जाएंगे, इसमें दाने लग जाएंगे काफ़ी, मैं एक्सप्लोर कर पाऊँ, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो। एंड काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में बताया, नेक्स्ट ब्लॉग में और भी चीज़ें हम एक्सप्लोर कर पाएँ। कॉमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये वीडियो, एंड जितना ज़्यादा हो सके आप लोग का प्यार मिले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।